केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रायपुर में खेले गए चौथे टी20 मैच में अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। गायकवाड़ ने इस दौरान दिग्गज क्रिकेट विराट कोहली और केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया। इन दोनों क्रिकेटरों को पीछे छोड़ के उन्होंने 28 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन की पारी खेली। भारत ने इस मुकाबले को 20 रन से अपने नाम किया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट पर 154 रन बना सकी। 26 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में टी20 क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए हैं। गायकवाड़ टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 बनने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस दौरान विराट कोहली और केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है, उन दोनों को इस बात पर छाड़ दिया है। गायकवाड़ ने 116 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। केएल राहुल ने 117 जबकि विराट कोहली ने 138 पारियों में 4000 का आंकड़ा छुआ था। टी20 क्रिकेट में और ओवरऑल सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे के साथ जॉइंट रूप से चौथे नंबर पर अब पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में विंडीज के क्रिस गेल टॉप पर है। गेल ने ये कीर्तिमान 107 पारियों में बनाया था। गायकवाड़ से आगे शॉन मार्श और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम है। ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने 113 जबकि बाबर ने 115 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। ऋतुराज गायकवाड़ के 121 टी20 मैचों में 4025 रन हो गए हैं। उन्होंने 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 490 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 123 रन रहा जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 4 मैचों में ऋतुराज 71 की औसत से 213 रन बना चुके हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।